नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक इंडियन मेकर्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं मेसी फर्ग्यूसन 9550 HP का ट्रैक्टर। ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है 50 HP में, और 50 HP कैटेगरी में इस ट्रैक्टर का PTO HP सबसे ज़्यादा है। 49 HP से भी ज़्यादा इसका PTO HP है, तो कोई भी इम्प्लीमेंट इस पे नहीं चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। हम ट्रैक्टर का रिव्यू करने जा रहे हैं, आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना अनिवार्य है। लेकिन आपको ट्रैक्टर के RTO इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, हमने उसके बारे में भी वीडियो बनाया है, तो आपको उसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे भी चेक करना ना भूलिए। तो देखिए, ये है मेसी फर्ग्यूसन 9550 HP का ट्रैक्टर। अगर हम इसकी टायर साइज की बात करें तो आगे का टायर 7.5 का इसमें दिया हुआ है। पावर स्टेयरिंग, सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग सिलेंडर इसमें दिया हुआ है। काफ़ी बेहतर ऐसा ट्रैक्टर है, मेसी का ट्रेडिशनल लुक इसमें दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 2700 cc का और 3 सिलेंडर का सिम्पसन का सुपर टॉर्क इंजन दिया हुआ है। काफ़ी बेहतरीन ऐसा ये ट्रैक्टर है, 2021 का मॉडल है। यह है पावर स्टेयरिंग के लिए 1 से 1.5 लीटर का पावर स्टेयरिंग ऑयल इसमें रहता है, जिससे पावर स्टेयरिंग की लाइफ बढ़ती है, यानी जल्दी काम नहीं निकलता। मेसी हमेशा कस्टमर का मेंटेनेंस कैसे कम हो इसके बारे में सोचता है, इसीलिए पावर स्टेयरिंग के लिए अलग से ऑयल का बॉक्स उन्होंने दिया हुआ है। काफ़ी बेहतरीन ऐसा ट्रैक्टर है। आपको इस ट्रैक्टर के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए, और आपको मेसी का कौन सा मॉडल अच्छा लगता है वो भी हमें बताइए, और आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है वो भी हमें बताना ना भूलिए। प्लैनेटरी प्लस इसमें सिस्टम में हाई लिफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रास रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं ताकि ड्राइवर को गर्म धुआं ना लगे, धूप ना लगे, इसके लिए ये ग्लास रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहली बार किसी ट्रैक्टर कंपनी ने ग्रास रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। यह है इसका क्लच, ड्यूअल क्लच का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। क्या आपके ट्रैक्टर में भी ड्यूअल क्लच है हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। ये इसका स्पेस डी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जैसे मेसी 7250 का स्पेस डी प्लेटफॉर्म है, वैसे ही इसमें भी स्पेस डी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, यानी ड्राइवर कंफर्टेबली ट्रैक्टर को ऑपरेट इसमें कर सकता है। ये है इसका मैनुअल क्लस्टर, यानी मीटर। मीटर की जानकारी हम आपको बाद में एक स्पेशल वीडियो द्वारा भी ज़रूर बताएंगे। काफ़ी बेहतरीन ये है एक्सेलरेटर, हैंड थ्रॉटल जिसे हम कहते हैं वो भी है। पावर स्टेयरिंग ये ट्रैक्टर है। ये है इसका हाई लो गियर, काफ़ी ऊंचा ऐसा हाई लो गियर इसमें दिया हुआ है, और यह है क्वाड्रा PTO का गियर जिसमें MS PTO, GS PTO, Live PTO और Reverse PTO भी दिया हुआ है, जिसपे हर एक इम्प्लीमेंट आराम से चल सकता है। क्या आपको क्वाड्रा PTO के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो हमें कमेंट द्वारा बताइए, हम उसके बारे में भी डिटेल वीडियो आपको ज़रूर देंगे। काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर ये है। इसका हाइड्रोलिक लॉक यानी हाइड्रोलिक वॉल सिस्टम, एडजस्टेबल सीट इसमें दी हुई है। काफ़ी बेहतरीन ऐसा स्पेस डी प्लेटफॉर्म, आरामदायक प्लेटफॉर्म इसमें दिया हुआ है। काफ़ी मजबूत ऐसा ये ट्रैक्टर है। इसमें ऑयल इमर्स ब्रेक्स लगे हुए हैं, पूरे ऑयल में डबे हुए ब्रेक्स, जिसके एक साइड में 4 डिस्क और दूसरे साइड में 4 डिस्क, ऐसा स्टैटिक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया हुआ है। काफ़ी बेहतरीन और किफ़ायती ये ट्रैक्टर है, 50 HP कैटेगरी में बेस्ट ट्रैक्टर मैं कहूँगा। आपको क्या लगता है हमें बताइए। इसमें 14928 का टायर साइज़ है, और ऑप्शन में 16928 का भी टायर साइज़ आपको मिल सकता है। हिच इसमें लगी हुई है, टॉप लिंक भी दिया हुआ है, और एक और ख़ासियत इसमें ये भी है कि इसमें पल्टी प्लाउ यानी रिवर्सिबल प्लाउ और टिपिंग ट्रॉली के हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए स्पेशल से किट दी हुई है, RMB किट जिसे कहा जाता है, जो कि तकरीबन 8500 तक आती है, तो आपको इस ट्रैक्टर में वो पहले से ही लगा हुआ मिलता है, यानी आपको अलग से इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कौन सा रिवर्सिबल प्लाउ लगाते हैं हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए, और आप ट्रैक्टर पे कौन से इम्प्लीमेंट्स चलाते हैं वो भी हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। काफ़ी बेहतरीन ऐसा ट्रैक्टर है। इसकी हाइड्रोलिक
लिफ्टिंग कैपेसिटी है 2050 kg। असली साइड शिफ्ट गियर टेक्नोलॉजी इसमें दी हुई है, पेंडेंट टाइप पैडल्स है, पुश पैडल्स नहीं है, यानी ड्राइवर सीट पे बैठ के ही आराम से ब्रेक्स लगा सकता है, उसे उठ के लगाने की ज़रूरत नहीं। यह है इसका असली साइड शिफ्ट टेक्नोलॉजी। कॉन्फिमेश गियर बॉक्स दिया हुआ है इसमें, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, ऐसे गियर कॉम्बिनेशन इस ट्रैक्टर में दिए हुए हैं। यह है इसका डीसी और पीसी लीवर, यानी ड्राफ्ट कंट्रोल यानी ड्राफ्ट पोजीशन और पोजीशन कंट्रोल लीवर, जो हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग के लिए काम आता है। यह है स्टार्टर स्विच, जो हर ट्रैक्टर में होता है। देखिए SJ सुपर सिम्पसन का सुपर टॉर्क इंजन दिया हुआ है, जो डीजल कम खाता है। मेसी के हर एक ट्रैक्टर डीजल कम खाते हैं। मुझे बस एक ही बात इस ट्रैक्टर में पसंद नहीं आई, इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि मुझे लगता है कि 50 HP कैटेगरी में बहुत ही कम है, लेकिन व्हील बेस काफ़ी बेहतर है इस ट्रैक्टर का। काफ़ी बड़ा ये ट्रैक्टर है, 72-50 जो 50 HP का ट्रैक्टर है उसी के बराबरी का व्हील बेस इसमें दिया हुआ है। पहले मेसी 9,558 HP कैटेगरी में आता था और वो रोटरी पंप में था, अब कंपनी ने 50 HP में इसे लॉन्च किया है। इन लाइन यानी सिंपल पंप इसमें दिया हुआ है। ट्रैक्टर की ताकत अच्छी है, अच्छी सिस्टम दी हुई है। इसे आप बैकहो लोडर, फ्रंट एंड लोडर, पावर हैरो, पल्टी प्लाऊ, पोटैटो प्लांटर, रोटावेटर, रिवर्सिबल प्लाऊ, टिपिंग ट्रॉली और ऐसे ढेरों इम्प्लीमेंट, स्प्रेइंग वगैरह के लिए भी आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। बेहतरीन ऐसा ट्रैक्टर है। आपको ट्रैक्टर के RTO रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2021 की जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसके बारे में नहीं पता है तो हमने वो वीडियो भी बनाया है, उसे देखना ना भूलिए। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को झट से पट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।